हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास ओल्ड वोटर आईडी कार्ड है और उसको आप न्यू में अपडेट करना चाहते हो, यानी फ्रेंड्स आपको पहले के समय में जो वोटर आईडी कार्ड आता था वो वाला वोटर आईडी कार्ड है और उसको आप अगर नए में अपडेट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। बिना एक भी रुपया दिए आप बिल्कुल फ्री में आप वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कैसे कर सकते हो, ओल्ड वोटर आईडी कार्ड को न्यू वोटर आईडी कार्ड में कैसे अपडेट कर सकते हो। ये वोटर आईडी कार्ड जो आप अपडेट करोगे वो आपको लगभग 15 से 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा और फ्रेंड्स आप इसको आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ओल्ड वोटर आईडी कार्ड को न्यू में अपडेट कर सकते हो और इसके लिए आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखना ताकि फ्रेंड्स आपको कंप्लीट अच्छे से प्रोसेस समझ में आ जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस जो भी आप ऑर्डर करोगे अपने वोटर आईडी कार्ड को इसको आप वापस से देख कैसे सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जैसे आप इसको डाउनलोड करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दिया होगा वोटर रजिस्ट्रेशन, आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वोटर रजिस्ट्रेशन पर आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हो रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड फॉर्म 001, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो नीचे आपको लेट्स स्टार्ट दिखेगा, आपको इस वाले पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर जो भी आपके आप यूज़ में लेते हो वो मोबाइल नंबर आपको डालना है, जिस पर एक ओटीपी आएगा उस ओटीपी को आगे एंटर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ गया, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको इस वाले पर एंटर करना है और यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू ऑलरेडी है वोटर आईडी नंबर, आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो आपको इस वाले पर यस पे रखना है और अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो आपको ये नो वाला कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आपको यस पे करना है और नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड डालने का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड के नंबर आपको एंटर करना है। वोटर आईडी कार्ड के सबसे ऊपर यहाँ पर एक कोने में आपको नंबर दिखेंगे, उस नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको फेस डिटेल दिखेगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको वोटर आईडी नंबर कुछ इस तरह से डालने हैं, यहाँ पर आपको आरजे से शुरू होंगे, आप कंप्लीट देखते हो या आपके जो भी है आपको वोटर आईडी कार्ड कंप्लीट इस नंबर को डालना है, आपको स्लैश स्लैश सभी लगाने हैं। कंप्लीट ये नंबर डालने के बाद आपको फेस डिटेल दिख रहा है, आपको इस वाले पर क्लिक करना है। अगर आपकी डिटेल यहाँ पर नहीं आती तो आपको नीचे प्रोसीड दिख रहा है, इस प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे आपका पूरे वोटर आईडी कार्ड की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, आपका नाम, जेंडर, आप ठीक है, कंप्लीट आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आपकी डिटेल सही है तो आपको नीचे नेक्स्ट दिख रहा है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस आपको पूरा कंप्लीट डालना है। ये पूरा एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ एक बार। यहाँ पर आपको अपने हाउस नंबर डालने हैं। ठीक है, कंप्लीट, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये नंबर नीचे वाले वापस ऑटोमेटिक आते जाएंगे, आपको सिर्फ ऊपर वाले बॉक्स में डालने हैं। यहाँ पर आपको अपना स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी आपको यहाँ पर डालनी है, इसके बाद अपना विलेज डालना है। ठीक है, विलेज डालने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, आपको अपना पुलिस स्टेशन जो भी है वो यहाँ पर आप एंटर करोगे। ठीक है, इसके बाद में आपका पिन कोड नंबर डालना है और पिन कोड नंबर डालने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट दिख रहा है, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तब जैसे आप डिटेल डाल कर आप क्लिक करोगे, ठीक है, नेक्स्ट पे तो ऑटोमेटिक आपका जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ गलत नाम आ जाता है तो आपको यहाँ पर सही डाल देना है। फ्रेंड्स डिटेल डालने के बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रीज़न देना होगा कि आपका वोटर आईडी कार्ड जो है आप इसको रिप्लेसमेंट क्यों कराना चाहते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो आपको यहाँ पर लिख देना है आपका वोटर आईडी कार्ड लॉस्ट हो गया है, घूम गया है या वोटर आईडी कार्ड आपका खराब हो गया है। यहाँ पर जो भी है आप कंप्लीट यहाँ पर रीज़न डालोगे, आपको हिंदी में लिख देना है या आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हो आई हैव लॉस्ट माई वोटर आईडी कार्ड। इसके बाद नीचे आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर सेलेक्ट करोगे आपके मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जो आपने पहले यहाँ पर ऑलरेडी डाले थे वो मोबाइल नंबर आपके आ जाएंगे। आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। डिटेल में आप जैसे नेक्स्ट करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपसे पूछेगा चूज ऑप्शन टू कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड, आप अपने वोटर आईडी कार्ड को कहाँ से कलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम वीआरसी सीएससी सेंटर से, अगर आप लेना चाहते हो आपका वोटर आईडी कार्ड जब भी आएगा, अगर आप सीएससी सेंटर से लेना चाहते हो तो आपको पहले वाले पर क्लिक करना है। देन आप दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको, आई विल टू रिसीव माई वोटर आईडी बाय पोस्ट, यानी कि आप अपने डाकघर से बाय पोस्ट आप लेना चाहते हो तो आपको सेकंड वाले पर क्लिक करना है। तीसरा आपको मिलेगा आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम बीएलओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर बीएलओ से आप जो आपको बीएलओ होता है उसे भी आप ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको सबसे जल्दी अगर वोटर आईडी कार्ड चाहिए आपका नया वोटर आईडी कार्ड तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम बीएलओ। इसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट दिख रहा है, नेक्स्ट करोगे यहाँ पर आपका जनरल डिक्लेरेशन टू आपका फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो भी नाम है नाम आ जाएगा, आपका प्लेस का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका प्लेस का नाम है आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप एंटर करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे, डन करोगे तो आपके सामने कंप्लीट आपका पूरा जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये डिटेल आपको सभी कंप्लीट चेक कर लेनी,
नहीं है, आपकी डिटेल या कंप्लीट सही है तो आपको नीचे कंफर्म दिख रहा है, आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर आपको अपनी रेफरेंस आईडी मिल गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इस रेफरेंस आईडी को आपको क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इसको आपको ओके करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वोटर आईडी कार्ड आपको कितने दिन में मिलेगा या आपको वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कैसे करना है, आपको इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो आपने जो भी रेफरेंस आईडी थी आपकी वो यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका जो भी कंप्लीट आपका जो आपने ऑर्डर किया था आपने या वोटर आईडी कार्ड उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, सबमिट का डेट आ जाएगी, बी एल ओ अपॉइंटमेंट जैसे होगा और आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा और आपका जैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता था आपको कंप्लीट यहाँ पर पता चल जाएगा और आपका वोटर आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा वहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो।